क्या आपको पता है डेल्टा कॉर्प की क्या हालत होने वाली है? इसको 17,000 करोड़ का नोटिस आया है जीएसटी डिपार्टमेंट से, इतना ज्यादा टैक्स डिमांड का नोटिस। आपको मालूम है इंडिया के अंदर में जो टोटल टैक्स कलेक्शन था वो 18,00,000 करोड़ था साल 2022-23 के अंदर में, और इस साल जो नोटिस आया है वो ये दर्शा रहा है कि एक कंपनी के अंदर में जिसकी वैल्यूएशन भी इतनी नहीं है लेकिन इससे इतना ज्यादा डिमांड किया जा रहा है, ऐसा क्या हो गया? और इसके बाद में इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? मंडे को ये शेयर कहां खुलेगा? क्या ये गैप डाउन खुलने वाला है? क्या इसमें और ज्यादा मंदी आने वाली है? 400 रुपए का शेयर था ये, कभी आज 175 रुपए पे चल रहा है। ये कंपनी जुए के व्यापार में है, कैसीनो के व्यापार में, लेकिन इस कंपनी ने कभी बेमानी नहीं की है। तो क्या ये अपने आप को बचा सकती है कि नहीं बचा सकती है, या जीएसटी ने इसकी कमर तोड़ दी है, या सरकार ने इसकी कमर तोड़ने की बिल्कुल ठान के रखी है? और समझने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी का इंपैक्ट क्या होने वाला है इसके ऊपर में, और शेयर प्राइस क्या चल रहा है, और किस तरह से इसमें उछाल आ सकती है या गिरावट आ सकती है। और किसी भी कंपनी के बारे में अगर आप लोगों को जानना है ना, तो उसकी वेबसाइट बीएससी पे आप चले जाइए। बीएससी के अंदर में डेल्टा कॉर्प जैसे ये है, और इसके अंदर में आप अनाउंसमेंट में जाएंगे ना, नीचे आप जाने पे यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट दिखाई देगा, इसके अंदर में ये डिस्क्लोजर और ये सब आ जाते हैं। जो भी इनका जो भी लेटेस्ट न्यूज़ रहेगी ना, वो यहीं से सारी के सारे न्यूज़ पेपर और जो भी उठाते हैं ना, यहीं से उठाते हैं सारी न्यूज़। तो इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं पीडीएफ का ये फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या नोटिस आई है और कितने करोड़ की नोटिस आई है। ये 16,000 करोड़ की नोटिस आई हुई है, टोटल 17,000 करोड़ की इसकी नोटिस आई हुई है। ये देख सकते हैं यहाँ पे 17,000 करोड़ की नोटिस आई हुई है इनके पास जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा, और जीएसटी की डिमांड की गई है इतने की। और डेल्टा कॉर्प का भी शेयर हम देखेंगे किस तरह से उसका प्राइस चल रहा है, और उसका एक सेकंड नोटिस इन्होंने अपने से इशू की है उसका क्या कहना है वो भी मैं दिखा देता हूँ। और हर जगह से इनको जो नोटिस आया ना, हर तरह की डिमांड जो आई है ना, वो पूरी डिटेल इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। लगभग 17,000 करोड़ के आसपास इनको नोटिस आया हुआ है, और ये इंडस्ट्री लेवल पे लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ में भी इनकी बात चल रही है, लेकिन गवर्नमेंट का जो स्पष्ट है ना, मतलब गवर्नमेंट एकदम स्पष्ट कर चुकी है कि ये इसमें कोई कार्रवाई करने वाली नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की पूरी मंशा है इस इंडस्ट्री को डुबाने की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेल्टा कॉर्प का शेयर है, और ये डेली चार्ट है उसका, और ये देख सकते हैं लगभग 400 के आसपास ये ट्रेड करता था कब, 2018 में। उसके बाद में कोरोना काल के कारण इसमें ड्रॉप आया, और उसके बाद में ये शेयर लगभग 350 के आसपास हाई लगाया। 2022 में ये भाव आया था 350 के आसपास इसने हाई लगाया होगा, उसके बाद में एक तरफा सेल आई है। अभी थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊंगा कि गवर्नमेंट का जो रूल आया था ना 28% टैक्स लगाने वाला, उसके बाद में इसकी क्या हालत हुई थी वो दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ लगभग 240 के आसपास काम कर रहा था, 28% की फॉल उस दिन आई थी, यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा था और सीधा यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है, और आज लगभग उसी लेवल को इसने ब्रीच करके नीचे में ही काम कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि ये नीचे की अपनी जर्नी जो स्टार्ट की है ना, एक सरकार के सिर्फ एक डिसीजन के चलते इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आने की संभावना है। और यहाँ जो भी मैं कह रहा हूँ ना, वो मेरी पर्सनल एनालिसिस है, यहाँ पे मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है, पर्सनली बोल रहा हूँ। मतलब हो सकता है ये बाउंस कर जाए, और हो सकता है बहुत तेजी से ऊपर चला जाए, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद में ही कुछ कार्रवाई करें या कुछ काम करें। यहाँ पे मेरी जो सलाह है ना, इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना अभी सरकार के नियमों के हिसाब से बहुत खराब हो चुका है। और ये देखिए टोटल जीएसटी कलेक्शन जो है ना वो 18,00,000 करोड़ का है, और इससे 17,000 करोड़ रुपए की डिमांड की जा रही है, 17,000 करोड़। मतलब समझ रहे हैं, 1% इस टोटल जीएसटी का इसी कंपनी से डिमांड किया जा रहा है। और इस कंपनी की आप मार्केट कैप देखेंगे ना, तो आप बोलेंगे इतनी कम मार्केट कैप और इतना ज्यादा इसका टैक्स डिमांड। इस कंपनी की मार्केट कैप कितनी है पता है? लगभग 4600 करोड़ की, मतलब 4700 करोड़ या 5000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। और इसको नोटिस आपने देखा था ना कितना का, 17,000 करोड़ का है, मतलब जितना का मार्केट कैप नहीं है उससे ज्यादा का डिमांड नोटिस है इसके पास में। हालांकि इससे कोई रिलेशन नहीं होता है, बाकी टर्नओवर का सारा गेम है। जब इसके टर्नओवर पे ही अगर इसकी जो जीएसटी के बारे में अगर पूरी डिटेल चाहिए ना, तो एक वीडियो का लिंक डाल देता हूँ, उसके थ्रू आप देखेंगे तो आपको पूरी आइडिया मिल जाएगी। इस कंपनी की प्राइस इज टू अर्निंग लगभग 17 के आसपास चल रही है, इससे अब ज़्यादा मैटर रहा नहीं, इससे मतलब ज़्यादा कुछ आप मतलब निकाल नहीं सकते। अभी मेरे हिसाब से इसकी सेल्स में जो ग्रोथ पहले दिख रही थी ना, वो सेल्स वेल्स में थोड़ा सा कमजोरी आना शुरू हो जाएगी। कमजोरी का मेन रीज़न वही है, गवर्नमेंट का एक्शन, और इससे इलीगल एक्टिविटीज़ जो होती है ना, इलीगल सट्टे और इलीगल बाजारी, जो काला बाजारी ये सब जो चलती है ना, उन सबको एक बल मिलेगा। ये गवर्नमेंट की ही नीतियों का परिणाम हो सकता है। आगे जाके गवर्नमेंट इस पर एक्शन क्या लेती है, उस पर ही इस कंपनी का फ्यूचर मेरे हिसाब से डिपेंड करेगा। बाकी ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है, यहाँ पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है सिर्फ वही बोल रहा हूँ। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कीजिए कुछ भी डिसीजन लेने से पहले।